Okay, वो करना आवाज थी बंद म नहीं चालू, एक्सेलेंट नहीं। एक्सेलेंट नहीं चालू। नहीं थी, आवाज चालू थी है नहीं।

माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट आदित्य सुजान तस्नीम अभिषेक कुणाल टनिंग वेरी गुड चलो आज हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाई द ए टू ई इन दिस फिगर वट इज द करेक्ट आंसर हियर देखो हम यहां पे देखते हैं क्या बताए वट इज ई आप ई e को देखो ई e क्या है ई तो को बोलेंगे हम एंटीपोडल यहां पे दो अलग तरीके से सेल है उसको मैं बोलूंगा प्रोटेक्ट दी एग सेल क्लियर तो ई के अंदर आंसर ऑप्शन ई के अंदर एंटीपोडल एक ही है तो ऑप्शन ए शुड बी राइट ओवर हियर समझ में आ गया नाउ discussion again second question exine of pollen is exine of pollen is आंसर क्या आएगा एग्जेन ऑफ पोलिन मैंने बताया था एग्जेन ऑफ पोलिंग के बारे में क्लियर पोलिंग ग्रेन जनरली दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉल्पेट ट्राईकोल्पेट इन फाउंड इन डाई कोटिलेडोन एंड मोनाकोल्पेट इन फाउंडेन मोनोकोटिलेडोन बोथ आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट बट यू कैन सी हियर There are three jumpor. That's why it is called tricolpate. The outer layer is called it is made up of sporopolenin. Inner layer is called pectin cellulose. This is called pectocellulose. Inner vacuole is present, generative nucleus is present, and vegetative nucleus is present. Vegetative nucleus is called tube nucleus. Is that clear, all of you? Thompson C should be right A, B, C, D, E. Next question What would be the number of chromosome of the aleurone cells of a plant within 20, 42 chromosomes? इन इट्स रूप टिप सेल्स चलो आंसर बताओ देखो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द एल्यूरोन सेल्स एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इट इज थ्री एन सो वॉट इज द हियर क्रोमोजोमिक वैल्यू फोर्टी टू क्रोमोजोमलोर्टी टू सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी 3n 3 multiply 21, the answer is 63. The option is should be right here. Is that clear, all of you? चलो सबको समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन द फिनोमिन वेर इन द ओवरी डेवलप्स इंटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ओवरी डेवलप डेवलप्ड इंटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड थेनो कार्पी और दिस फिनोमिनाइज कॉल्ड पार्थेनोजिनेसिस पार्थेनो जिनेसिस को हम बोलेंगे वर्जिन बर्थ क्या बोल सकते हैं या आपको याद रखना है वर्जिन बर्थ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बोलो चलो नेक्स्ट द ओव्यूल ऑफ एन इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आ गया है चलो आंसर क्या बनेगा मेगा स्पोरेंजियम द मेजोरिटी ऑफ एनजीओ स्प द मेजोरिटी ऑफ एनजीओ स्पम्प ऑप्शन बी शुड बी राइट नाइन नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिफाई ई इन द फॉलोइंग डायग्राम डायग्राम दिए आपको नाम बताना है चलो फटाफट नहीं समझ में आता आपको चैट बॉक्स के अंदर लिखना है देखो बीच में क्या है दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू तो ऑप्शन डी शुड बी राइट ओवर हियर आइडेंटिफाई ए टू डी इन द फॉलोइंग डायग्राम को मैं बोलूंगा एंड स्टॉक ऐसे तीन ऑप्शन है चलो बताओ बी को बोलूंगा लाइन ऑफ डेहीस ये जो लाइन जहां से पोलिंग ग्रेन निकलती है स्फोटन होती है बाहर निकलती है फटके क्लियर जिसको लाइन ऑफ डेहीसंस तो ऑप्शन डी के अंदर बी ऐसा एक ही दिया है तो ऑप्शन डी शुड बी राइट बी क्या है इट इज अ प्लेस वेन द पोलिंग ग्रेन्स आर रिलीज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम डायग्राम दिया है फोर लेयर है वो आपको फोर लेयर के नाम बताना है एक्चुअली यहाँ पे फाइव बताए फाइव बताना है नाम ए टू ई इंडिकेट करना है देखो स्क्रीन को जूमआउट कर देता हूँ तो आपको पता चले ऑप्शन क्या आगा ऑप्शन डी द आउटर लेयर इज कॉल एपिडर्मिस सेकंड लेयर इज कॉल एंडोथेसियम सी लेयर इज कॉल मिडल लेयर इट इज वन टू थ्री लेयर्स डी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल दिस वन इज कॉल एम एम और ई को बोलेंगे हम टेपेटम

ए क्या है बी क्या है बताओ फटाफट ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा डी को बोलेंगे हम ए सिमेट्रिकल स्पिंडल डी को हम क्या बोलेंगे ए सिमेट्रिकल स्पिंडल तो ऑप्शन सी अकेला ही है तो हम आंसर कहां पर जाएंगे सी Next MCQ, identify A to I in the given diagram. Nice response, all of you. बोलो व्हाट इज आई आई को पता होना चाहिए दिस इज कॉल चेले इज एंड और चेले इज पोल चलो आई देख लेते हाइलम है आउटर हाँ इंटेग्यूमेंट है, है। चेलेजल एंड चेलेज पोल बोलते हैं वेरी गुड एंड तो नहीं है क्लियर एच को क्या बोलेंगे एम्ब्रीओसेक दिस कॉल इज कॉल एम्बरी तो ऑप्शन सी सही हो गया आइडेंटिफाई द लेबलिंग ऑफ गिवन डायग्राम ट here ध्यान से देखना वो लोग आंसर देना है आपको मैंने बोला था जब ई एम सी को सॉल्व करेंगे आपको पास एनसीईआरटी रखनी है एनसीईआरटी रखोगे तो ही पता चलेगा आसपास का लेयर होता है उसको हमने बोला न्यूसेलस न्यूसेलस तो बोल सकते हैं ये नहीं हो सकता अब देखो डी क्या हो सकता है ऐसे मेगा स्पोर डायड है ना दो है मेगा स्पोर इसको मेगा स्पोर डायड हो गया कि नहीं हो गया तो हमारे दो एमसीक्यू कैसे होंगे सही हो गए है ना तो ऑप्शन बी निकल गया और ऑप्शन सी शुड बी राइट आपको एनसीआरटी अच्छी तरीके से करनी है चलो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर ए एंड बी चलो बच्चे चलो ऊपर वाला फ्लावर कौन सा होगा नीचे वाला फ्लावर कौन सा होगा दिस इज कॉल्ड ओपन फ्लावर दिस इज कॉल्ड क्लोज फ्लावर चलो इतना बता दिया मैंने अब आंसर आपको सही करना है कोई डाउट है तो बता सकते हो ध्यान से ओपन को बोलेंगे चेस्मो गेमस नीचे बोलेंगे क्लेस्टो गेमस तो ऑप्शन सी सही हो गया बोलो चलो नेक्स्ट गेटेनोगेमी ऑफ इन्वॉल्व देखो क्वेश्चन बता रहा है गेटेनोगेमी गेमी इन्वॉल्व सी बस आई पी एम टी के अंदर क्वेश्चन आ गया टू थाउजेंड फोर्टीन नाइन टेन एंड नाइनटीन नाइनटी फोर सेम प्लांट होगा बट फ्लावर कैसा होगा डिफरेंट होगा दिस इज कॉल्ड गेट एन ओ गेमी ऑप्शन है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट बट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर होंगे तो आंसर क्या आएगा जेनो गेमी तो ऑप्शन शुड बी राइट ओवर ही आर फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओवेज इन दर ही एंड आर पैक्ड इन टू इन्फ्लूस आर यूजली पोलिन्यूटेड बाय This is your previous question in May 2017. बताओ चलो वेरी गुड आंसर क्या विंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो विंड पोलिनेसर विंड पोलिनेशन को मैंने क्या बोला एनीमोफिली यस और नो एनीमोफिल इज फेवर्ड बाय फ्लावर्स हैविंग ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक इन एन एन विंड पोलिनेशन इज एन नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन जैसे Wind आता रहता है उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है दैट्स कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन पोलिनेशन इन वाटर हाई सिंथ एंड वाटर इल इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ नाम इंडिकेट कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा चलो मैं आपकी कमेंट देखता रहता हूँ बताओ जल्दी फटाफट क्या हो सकता है इंसेक्ट और विंड ऑप्शन बी शुड बी राइट ओवर योर वेरी गुड जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया है लोग वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो वेरी गुड क्लियर चलो सबसे इजी क्वेश्चन है पोलिंग किट इज प्रेजेंट इन पोलिंग किट इज प्रेजेंट इन पोलिंग किट कैसे बनती है वेरी गुड जोरदार इंसेक्ट से बनती है क्योंकि इंसेक्ट लेके ले आती है ग्रेन। तो इंसेक्ट को हम बोलेंगे एंटोमोफिली सबसे क्वेश्चन है इंसेक्ट के पैर के ऊपर क्या हो जाता है चिपक जाता है और हम उसको कलेक्ट करके पोलिंग किट बना देते हैं। वेरी गुड फॉर आर्टिफिशियलिटाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बायस फ्लावर विच ऑफ दिक्वेंस इज करेक्ट बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या करेक्ट होगा पहले क्या करवाओ क्रॉस पोलिनेशन करवाओ बैगिंग करो इमेज करो और फिर से रीबैगिंग करो ऐसा कि पहले बैगिंग करो इमेजक्युलेशन करो क्रॉस पोलिनेशन करो कि रीबैगिंग करो चलो आंसर क्या आएगा फटाफट आंसर बताओ आंसर कौन सा होगा ए e, बी सी डी पहले क्या होगा इमेस्क्यूलेशन उसके बाद बेगिंग देन उसके बाद कलेक्शन ऑफ पोलिंग ग्रेन्स फ्रॉम मेल पेरेंट्स देन बाद में तो रीबेगिंग आ गया वो तो पक्का ही है उसके पहले क्या आएगा कलेक्शन ऑफ पोलिंग ग्रेन उससे पहले क्या आएगा तो आंसर क्या आएगा आपका इमेस्क्यूलेशन बैगिंग क्रॉस पोलिनेशन एंड रीबैगिंग होगा पहले निकालते हैं बैगिंग थोड़ी होना है पहले हम, हम कट करते हैं। क्लियर कट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं कट करते हैं, उसके बाद बैगिंग करते हैं और फीमेल होगा तो उसको हम क्या करेंगे क्रॉस पोलिनेशन करवा देंगे मेल के साथ मेल होगा

और पोलर न्यूक्लियाई की प्रोडी कितनी होती है पोलर न्यूक्लियाई टू एन यानी कि सेंट्रल न्यूक्लिया बोला तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव कितना हुआ फिफ्टीन हुआ थ्री थ्री हुआ सॉरी फाइव फाइव हुआ और टू मल्टीप्लाई फाइव कितना हुआ टेन हुआ तो आंसर क्या आएगा पोलर न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई आपने ऐसा ड्रॉ नहीं किया था सेंट्रल न्यूक्लियाई यहाँ पे सीनरजीड होते हैं बीच में एक्सेल होते हैं और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल होते हैं तो ये कितना हुआ टू ये बाकी टू एन टू एन टू एन ये बाकी सब एन 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 सिखाया था कि नहीं सिखाया था इन फिगर गिवन बिलो फाइंड आउट दी टाइप ऑफ सीड आइडेंटिफाई द कोलेप्टाइल कोलियोराइज़ा एंड एपी ब्लास्ट किसके अंदर बताओ चलो इसका आंसर बताओ सही मोनोकट बीजीन डी वेरी गुड कोलियप्टाइ कोले एंड एपी ब्लास्ट आपने देखा होगा दिस इज कॉल्ड डाइकोट और दिस इज कॉल्ड मोनोकट This layer is called scutellum. The upper layer is called endosperm. Both are differentiated by single line. This is called alluron layer. This is called coleoptile. This is called plumule. This is called coleoriza and the radical. तो ऑप्शन सी शुड बी राइट ओवर राइटर परसिस्टंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोनेस परसिस्टंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोनेस दिस इज कॉल्ड पेरिस पम्प एग्जाम्पल बताओ किसके अंदर थे पेरिस पंप किसके अंदर देखने को मिलता है दो ही एग्जाम्पल बुक के अंदर दी है ब्लैक पाइपर और दूसरा वेरी गुड बीट थैलेमस कंट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ किसके अंदर थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है वेरी गुड सबसे इजी क्वेश्चन है ऑल ऑफ दिस एप्पल के अंदर जो आप व्हाइट पार्ट खाते हो कि नहीं खाते हो तो आप व्हाइट पार्ट क्या खाते हो दिस कॉल फ़ॉल्स फ्रूट द फ्रूट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम थैलेमस पार्ट अदर दिन रिप्रोडक्टिव पार्ट देट्स वाईज कॉल फॉल्स फ्रूट वर्ल्ड ओलडेस्ट वायबल सीडिक फ्रॉम टुंड्रा इज ऑफ आर्कटिक टुंड्रा इज़ ऑफ ल्यूपाइन आर्किटेकस के फिनिक्स एफिरा बोले ये आंसर तो नहीं आने वाला ए और डी में से क्या आएगा बताओ राइट। right. चलो मैच ऑफ फॉलोइंग कॉलम। सबसे इजी क्वेश्चन चलो फटाफट मैच ऑफ़ फॉलोइंग कॉलम। एंटीपोडल क्या है सेंट्रल सेल क्या है एमएमसी क्या है इंडोस्म क्या है एंडोस्फॉर्म थ्री एन होगा चलो वो तो पता ही है तो वन के अंदर थ्री ऐसे दो ऑप्शन है डी के अंदर वन ए क्या ऐसे ऑप्शन है तो ऑप्शन सी सही हो गया चलो नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट चलो फॉल्स फ्रूट के अंदर कैसे यू आएगा डी के अंदर थ्री ऑप्शन बी शुड बी राइट ट्रू फ्रूट को हम महंगो बोलेंगे सी के अंदर टू मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम विंड वाटर इंसेक्ट एंड बर्ड्स विंड से होता है उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली वाटर से होगा उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे वाटर ही नाम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रो इंसेक्ट से होगा उसको एंट बोलेंगे एंटोमोफिली एंड बर्ड से होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली क्लियर याद रखना है ऑप्शन तो राइट ओवर हियर अब ये आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग कॉलम पार्ट ऑफ सीड कोटिलेड एपिकोटाइल कोटाइल एंड हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल को हम बोलेंगे बीलो हाइपो का मीनिंग होता है बीलो तो डी के अंदर वन ऑप्शन सी शुड बी राइट ओवर में से सूट टिप बनेगा सी के अंदर थ्री एपिकोटाइल कोटाइल यानी कि एबो पी के अंदर टू कोटी लेर यानी कि लीफ ऑफ एम्ब्रियो दिस इज कॉल्ड सी ओवरी में से फ्रूट बनता है ओविज में से सीड बनता है सी के अंदर थ्री डी के अंदर फोर ऑप्शन सी शुड बी राइट आउटर इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड टेस्टा इनर इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड टैगमेन मैच ऑफ फॉलोइंग मोनो कार्पेलरी यानी कि मोनो का इंडिकेट होता है सिंगल वन के सामने फोर आएगा यानी कि फ्यूज सी के अंदर टू आएगा तो ऑप्शन शुड बी राइट ओवर हियर मैच ऑफ फॉलोइंग कॉलम ओवरी में से क्या बनेगा रूट बनेगा में से क्या बनेगा सीड बनेगा वॉल ऑफ फ्रूट हम बोलेंगे पेरी ऑप्शन ए शुड बी राइट ओवर हियर मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम पार्थेनोकार्पी कार्पी एंड मिजियन पोलियम्ब्रियोनी के अंदर मैंने बोला था साइट्रस एग्जांपल आपको याद है ना साइट्रस फ्रूट तो सी के अंदर टू होगा एक ही ऑप्शन है पार्थेनोकार्पिक बनाना एपोमिक्सिस ग्रासिस तो ऑप्शन डी सही हो गया ये सीक्वेंस आपको बतानी है चलो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरोजीनेसिस टिश्यू में से पीएमसी बनेगा पीएमसी में से बनेगा टेट्राड अलग हो जाएगा कैलेज नाम का एंजाइम उसको अलग करेगा ऐसा मैंने सिखा था ऐसे कैलेज नाम का एंजाइम अलग करता है और क्या बनता है मेल गैमेट उसमें से हर एक पोलिंग में से दो दो मेल गैमेट बनेंगे क्लियर तो ऑप्शन डी शुड बी राइट ओवर हियर चलो द गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू कैस्टर सीड्स सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेबल पार्ट बताओ सीड कोल्ड प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम फिजिकल टेम्परेचर एंड वाटर डैमेज ये सही लग रहा है आपको यस एंडोस्पम प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट अब ये दोनों के अंदर देख लो चलो C should be right. देखो रिफर टू गिवन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सन फ्लावर ये सब कैरेक्टरिस्टिक दी है और आपको उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है फ्लावर्स आर कलरलेस कलर लेस होगा तो उसको कोई बर्ड्स तो एट्रैक्ट करने, तो करने वाला नहीं है इंसेक्ट तो एट्रैक्ट करने वाला नहीं है क्लियर पोलिंग ग्रीन वेल एक्सपोज डेम्स हो गए अब फ्लावर्स आर स्मॉल दे आर ओपन पैकेट इन फ्लोरासंस पहली लाइन ही बता रही है पहली लाइन ही बता रही है क्या सिंगल ओव ओवरी और फिदरी बता है बच्चे लोग फिदरी फ्लावर होता है तो उसके अंदर क्या होता है कौन सा पोलिनेशन होगा तो उसके अंदर पोलिंग ग्रीन उसके अंदर आ जाएगी मैंने सिखा था याद करो दिस इज कॉल्ड बाय विंडे एनी मोफेली रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वापस आओ आर एप्लॉयड यस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनवॉल्व इन नंबर डबल फर्टिलाइज फाइव सही है डबल फर्टिलइव डिस्कवर इन लिलियम एंड फ्रीटिल तो कौन कौन से सही है वन टू देंट्रल सेंट्रल रिटर ऑफ ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बताओ यहाँ पे याद रखना बच्चे लोग नावासिन नाम के ने डबल फर्टिलाइजर ने डिस्कवर किया था किसके ऊपर नाम के प्लांट के ऊपर दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चे लोग क्लियर याद रख लेना स्टडी द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वॉटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ़ दायर प्लांट नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राइफ एंड टेड लिमिटेड बिकॉज दे नीड द वॉटर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल के एंड फर्टिलाइजेशन करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा होगा बताओ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है थर्ड सही लग रहा है ये गलत है और यहाँ पे कितनी जनेरा थे तो ऑप्शन सी होगा ना थर्टी जनेरा थे कि सिक्सटी थे बताओ चलो फटाफट वेरी गुड तो ये गलत है तो ऑनली सी क्या हुआ सही हुआ कि नहीं हुआ वेरी गुड द इवेंट इन पोलिन पिस्टल इंटक्शन आर गिवन बिलो चलो यहाँ पे पोलिन पिस्टल इंडक्शन बताया तो पहले क्या क्या डेवलप होगा वो देखना है यहाँ पे स्टेप बताए आपको सिक्वेंसियल ऑर्डर करना है सिक्वेंस बेस भी क्वेश्चन नीट के अंदर आने के चांसेस है पोलिंग ग्रेन्स आज जर्मिनेट टू पोलिंग ट्यूब कब होंगे पोलिंग ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा थर्ड आएगा उसके बाद वो पहुंचेगा पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ़ द रीच इन द इसके बाद ये आएगा, फोर आएगा तो टू फोर वन थ्री होना चाहिए नहीं कहां पर पोलेंट ट्यूब्स ग्रोथ एंटर इन दिल्ली माइक्रोपाइल ये लास्ट में आएगा तो लास्ट वाला फोर एक ही की है पोलन ट्यूब्स यहाँ पे थ्री आएगी ओके यहाँ पे टू आएगा तो हो गया टू थ्री वन एंड फोर फिर से देखो मैं बताता हूं पोलिंग ग्रेन जर्मिनेट फ्रॉम दोलिंग ट्यूब पोलिंग ग्रेन जर्मिनेट होगी पहले देखो पोलिंग ग्रेन्स रिच स्टिग्मा पहले पहुंचेंगे मान के चलो पहुंच गए उसके बाद क्या होगा उसके बाद पोलिंग्रीन रिज के ऊपर वहां पर पोलिन ट्यूब ग्रो होगी कहां तक के थ्रू और स्टाइल थ्रू एंड रिच इन दी सेकंड स्टेप ये हो गया क्या बनेगा पोलेंड ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल ये लास्ट में पहुंचेगी फोर्थ होगा और, और पोलिंग्रीन जर्मिनेट टू फॉर्म दी पोलिन ट्यूब और कब जर्मिन होगी कि जब पहुंचेगा तब तो यहां पे क्या बन सकता है सी हो गया सी के अंदर देखो थर्ड है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप मैंने थर्ड लिखा है उसके बाद मैंने क्या लिखा उसके ऊपर ग्रो हो गई कि रिची स्टिग्मा स्टाइल ये देखो ये बाहर से पोलिंग ग्रेन आई उसके बाद स्टिग्मा पे गई स्टाइल में गई ओवरी में गई तो सेकंड स्टेप ये हो गया यानी फोर्थ वाला फोर्थ वाला सेकंड स्टेप है कि नहीं ऐसा बता रहा है उसके बाद पोलिन ट्यूब दी, दी माइक्रोपाइल एंड पोल जर्मिनेट तो उसके बाद क्या होगा तो थर्ड वाला ये फर्स्ट हो गया देखो ये भी सही है ये भी सही है अब देखो उसके बाद पोलिंग ग्रेन जर्मिनेट होगी टू तो फॉर्म पोलिन ट्यूब तो ही वो वही वहां पर पहुंचेगी किसके ऊपर ओवरी तक यहाँ पे पोलिन ट्यूब डेवलप करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी यानी कि हमारा सेकंड वाला कौन सा स्टेप हुआ सेकंड स्टेप हुआ क्लियर तो ये बाकी सब क्या हो गए गलत हो गए तो ऑप्शन ये अच्छी तरीके से हो गया कि नहीं हो गया ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे चार अलग अलग सेंटेंस दिए पर कौन से स्टेप के अंदर से यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट स्टेप है क्लियर ये वाला फर्स्ट स्टेप है ये वाला सेकंड स्टेप है और ये वाला थर्ड स्टेप है और ये वाला फोर्थ स्टेप है तो आपका ऐसा नहीं दिखना है टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री दिखने जाओगे तो गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेप कौन सा गा? वो उसके अंदर सेंटेंस कौन सा है थ्री है फोर है टू है के वन है क्लियर समझ में आ गया क्वेश्चन चलो विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट

फिजिकल प्रोसेस ये है ये दोनों में से ऑप्शन ए शुड बी राइट ओवर देखो ये वाली फिगर द फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट द एंडोस्म फॉर्मेशन इज द मेजर इवेंट ऑफ द प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन सही है क्लियर सेकंड वाला सही है तो सेकंड वाला सही है क्लियर एनजियोस्म के अंदर एंडोस्पर्म थ्री एन होता है और जिम्नोस्पर्म के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है एन होता है तो सेकंड सही है तो ये दोनों गलत हो गए अब एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर बार्ल कोकोनट फॉर्मेशन प्रायर टू तो इवेंट एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रायर इवेंट होती है नहीं। तो सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज दर प्रायर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन यस उसको न्यूट्रिशन देने के लिए उसको करना पड़ेगा कि नहीं तो फर्स्ट सही हो गया है ना द आलवीमिन सिर्फ फूड इज स्टोर्ड इन एंडोसफार्मीम सीड फूड इन स्टोरिंग इन कोटीलेडन तो ऑप्शन डी सही हो गया कि नहीं हो गया सबसे ईजी है मोस्ट ऑफ द करेक्ट फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट मोस्ट कॉमन एंडोसफार्माइप कोकोनट वाटर इज अ मिल केमेटो टाइप कोकोनट हाइज बोथ फ्री न्यूक्लियर एंड सेलर टाइप ऑफ एंडोसफॉर्म तो दोनों का तो थर्ड वाला आंसर कौन सा यहां पे? तीन है यहां पर ऑप्शन दी ये गलत हो गया अब मोस्ट कॉमन एंडोस्फॉर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप न्यूक्लियर टाइप होता है कोकोनट वाटर इज अ मेल गेमेट बोलो लास्ट क्वेश्चन है फटाफट देख लो फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री हो गए क्लियर ऑप्शन राइट ओवर हियर बच्चे लोग कोई डाउट है तो बता सकते हो बोलो कैसा रहा चैप्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसके बाद हम थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर लाइव करने जा रहे हैं क्लियर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे नहीं समझ में आया तो बच्चे लोग आपको बोलना है तुरंत ही ये वीडियो बार बार देखना फिर से देख लेना क्लियर उसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर चालू करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे तरीके से नीट के अंदर एमसीक्यू आते आते चलो क्लियर आपको अपडेट मैसेज थ्रू मिल जाएगी चलो क्लियर और जिसका बैकअप बाकी उन लोगों का बैकअप भी हो जाएगा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्लियर मैं ले लूंगा बैकअप का टाइम दे दूंगा चलो मिलते हैं बाय ऑल ऑफ यू